अब कई दफ़ा ना सॉइल की जो इन्फिल्ट्रेशन है उसको जब इंक्रीज़ करना पड़े ना, तो कई दफ़ा क्या होता है कि हमें सॉइल के अंदर ना कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें डालनी पड़ती हैं, सॉइल के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं ताकि उसकी इन्फिल्ट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, तो उसमें जो पहला जो चीज़ है ना, जो आम है, जो कि मैंने खुद भी देखा है, फील्ड में ऑब्जर्व भी किया है, वो ये है कि हम कई दफ़ा केमिकल डालते हैं सॉइल के अंदर ताकि उसकी इन्फिल्ट्रेशन जो है ना वो इंक्रीज़ हो। अब वो केमिकल करते क्या है, पहले तो वो गठले बनाते हैं, एग्रीगेट्स बनाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े जो सॉइल के गठले हैं ना वो बना देते हैं। ठीक है, एक तो ये करते हैं तो इन्फिल्ट्रेशन जो है वो अपने आप इंक्रीज़ कर दिया करते हैं। दूसरा ये करते हैं कि वो मैंने भी साथ में लिख भी दूँ मैं यहाँ पे, कि जब आप केमिकल्स डालते हो इन्फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज़ करने के लिए, तो वो केमिकल्स जो हैं वट डू दे डू, वो करते ये हैं कि पहली चीज़ जो करते हैं वो ये करते हैं कि वो एग्रीगेट्स जो है ना, एग्रीगेट्स जो है ना वो बनाते हैं। ठीक है, दूसरा काम मुझे करते हैं कि वो दूसरा काम मुझे करते हैं कि वो सरफेस टेंशन जो होती है ना लिक्विड की, ठीक है, वो उसे कम कर देते हैं। मतलब ऐसे वाटर वाटर को अप्लाई करते हैं इरिगेशन के लिए, तो वो सरफेस टेंशन जो होगी ना वाटर की, उससे कम कर देंगे। अब सरफेस टेंशन होती क्या? अच्छा, मैंने कोशिश बहुत किया कि मैं एग्रीगेट के स्पेलिंग ठीक करूँ, लेकिन मेरे से अभी तक ठीक नहीं हुए। तो ये लास्ट ट्राई है कि मैंने AGG शायद होते हैं एग्रीगेट्स। हाँ, ये अच्छा। अब सरफेस टेंशन जो है कैसे काम करते हैं, मैं इसकी थोड़ी सी पहले एग्जाम्पल दूँ आपको, एक छोटी सी बिलफर्जी। ये है एक वाटर की ना टॉप लेयर, उसमें ये उसके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, साथ इसको रख कर दिया, ठीक हो गया। ये जो बेफर्स उसकी लेयर है वाटर की टॉप वाली, और ये उसके इतने 3 पार्टिकल्स हैं। अब जो सरफेस टेंशन है वो करती क्या है, सरफेस टेंशन होती क्या है, वो ये होती है कि इन तीनों के अंदर जो आपस की अट्रैक्शन है ना उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, वो सरफेस टेंशन या तीनों की जो अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही लिक्विड को जो है मुश्किल होगी कि वो सरफेस से सब सरफेस की तरफ मूव करे। जाहिर बात है, देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपस की अट्रैक्शन जो है इनकी वो किस फोर्स को जो है ना वो जो है ना ज़्यादा कर रही है, वो इनकी आपस की फ़ोर्स को ज़्यादा ज़्यादा कर रही है। इनकी आपस की फ़ोर्स जितनी ज़्यादा होगी उतना ही मुश्किल होगा इनको नीचे की तरफ मूव करना। ठीक है, तो वो अगर ये फोर्स आपस की कम कर दी जाए तो फिर तो ये अपने वेट से ऑटोमेटिकली जो है नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे। तो इस वजह से हम करते क्या हैं कि एक केमिकल डालते हैं। केमिकल क्या करता है कि इनकी सरफेस टेंशन कम कर देता है और ये फिर नीचे की तरफ अपने आप लिक्विड जो है मूव कर जाता है। ठीक है, पहला काम जो है केमिकल क्या करते हैं, एग्रीगेट्स बनाते हैं और सरफेस टेंशन को रिमूव करते हैं। ठीक है ना, कई दफ़ा हमें सॉइल के अंदर केमिकल डालने पड़ते हैं ताकि इन्फिल्ट्रेशन जो है ना वो कम हो जाए। कई दफ़ा हमें इन्फिल्ट्रेशन लेस करने के लिए भी जो है ना वो केमिकल डालने पड़ते हैं। वो करते क्या हैं, वो करते ये हैं कि सॉयल के पार्टिकल्स को जो है ना वो स्वेल कर देते हैं। ठीक है ना, सॉयल के पार्टिकल्स को वो करते क्या हैं, स्वेल कर देते हैं। बिलफर्ज ये जिसकी जो सॉयल की जो है ना वो टॉप लेयर है, ये 3 उसके पार्टिकल्स हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, केमिकल डालेंगे ना, ये पार्टिकल्स को जो है स्वेल कर देंगे। तो क्या हो वो क्या होगा उससे उससे फर्क उससे होगा ये कि जो अब जो है बीच में पोर्स थे इनकी स्वेलिंग की वजह से वो पोर्स क्या हो जाएंगे, वो पोर्स बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो केमिकल जो है ना ये कई दफ़ा सॉइल पार्टिकल को स्वेल करके इन्फिल्ट्रेशन रेट कम करने में भी काम आते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आपने इन्फिल्ट्रेशन रेट कम ही करना है, मैं ज़रा इनको दोबारा से वैसे कर दूँ, आपने इन्फिल्ट्रेशन रेट कम ही करना है ना, तो आप क्ले को इसके ऊपर स्प्रे कर दो। जब आप क्ले को जो है ना इसके ऊपर स्प्रे करोगे, क्ले क्या होती है, छोटे पार्टिकल्स होते हैं क्ले के, जब उसके ऊपर स्प्रे कर दोगे तो क्या होगा कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं आके इनके पोर्स को ब्लॉक कर देंगे। ठीक है ना, तो इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है वो ऐसे भी कम हो जाता है। ठीक है, तो कई दफ़ा क्या होता है कि अगर मुल्तान वाली साइड पर आपकी जो जो सैंड है आपका इन्फिल्ट्रेशन रेट बहुत ज़्यादा हो ना, तो आप करते क्या होते हो, आप करते ये हो कि आप अपनी सॉयल के अंदर जो है कहीं बाहर से क्ले लेके आके उसका स्प्रे कर देते हो, मिट्टी का स्प्रे कर देते हो, तो आपकी इन्फिल्ट्रेशन जो है ना वो रेट जो है कम भी हो जाता होता है। ठीक है, तो ये हैं बेसिकली 4 हैं, 2 जो हैं वो बताए हुए हैं कि
जब आपने इन्फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज करना हो तब क्या करना है आपने, केमिकल स्प्रे करने हैं, केमिकल क्या करेंगे, एग्रीगेट्स बनाएंगे और सरफेस टेंशन को कम कर लेंगे। और अगर आपने रिड्यूस करना है तो फिर क्या करोगे, वो पार्टिकल को स्वेल कर देंगे और साथ में क्या करेंगे कि जो आपके छोटे फाइन क्ले के पार्टिकल्स हैं उनको स्प्रे कर दो ताकि वो पोर्स जो हैं बीच में से वो ब्लॉक हो जाए। इसके बाद अगर आपने इन्फिल्ट्रेशन को प्रिडिक्ट करना है तो फिर उसके लिए कौन सी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एफ इज इक्वल टू एफ सी प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी इन टू ई रेज टू पावर माइनस के टी। इनमें से एफ जो है ना ये तो है मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन रेट, ये जो एफ है दैट इज मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन रेट। दूसरा जो है ना, और इन्फिल्ट्रेशन रेट का हम पहले बोल चुके हैं क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन रेट डेप्थ ओवर टाइम, ये तो पहले ही हमने पढ़ा होगा, इसका यही वाला जो है ना इसका यूनिट है। आगे एफ से क्या है, ये है द कॉन्स्टेंट इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी एज टाइम अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। एफ सी ये वो इन्फिल्ट्रेशन रेट है जो सॉइल के अंदर हर टाइम रहना ही रहना है, ठीक है ना, चाहे जिस टाइम मर्जी जो है ना आप इन्फिल्ट्रेशन रेट इसका जो है ना कर लो, ये इतना रहेगा ही रहेगा। आप लोगों ने, मुझे याद है मैंने आप लोगों के ग्रुप को करते हुए देखा है एक्सपेरिमेंट, हसनैन साहब का एक्सपेरिमेंट था, उसमें आप क्या करते थे कि आप सॉइल का ना इनफिल्ट्रो जो वो कौन सा था, वो डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर से जो है ना वो एक्सपेरिमेंट करते थे आप, ठीक है ना। यहाँ पे टाइम होता था उसका, ठीक है ना, और इस साइड पे उसका होता था इनफिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। अच्छा, अब आप करते क्या थे, करते ये थे कि आप जो है ना स्टार्ट में इनफिल्ट्रेशन रेट जो है लेते थे, हर थोड़ी देर बाद जो है ना इन्फिल्ट्रेशन रेट अप लेते थे, तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनता था, तो कर्व बनती है, वो कर्व मेरे से बनेगी नहीं, तो कुछ ऐसी कर्व बनती थी, ठीक है। कि एक टाइम ऐसा आता था कि जब आपका इन्फिल्ट्रेशन जो है ना वो बिल्कुल कांस्टेंट हो जाया करती थी, ये बेसिकली जो है ना आपकी एफ सी है, कि ये इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है ना ये हर टाइम रहेगा ही रहेगा, चाहे जितना मर्जी जो है ना वो कंडीशन जो है ना उसकी, वो सॉइल जो है सैचुरेट हो जाए, जो मर्जी हो जाए, इतना इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है ये हर टाइम रहना ही रहना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है एफ नॉट। एफ नॉट क्या है, जब इन्फिल्ट्रेशन रेट बिल्कुल स्टार्ट हो ना, तो ये वो वाला रेट है। अच्छा, मैंने, मुझे लगता है कि इन्फिल्ट्रेशन रेट की जो है ना वो थोड़ी सी जो वो डायग्राम है वो मैंने गलत ड्रॉ की है, बेसिकली वो डायग्राम जो है ना वो, अगर मैं, खैर मैंने आगे जाकर दिखानी भी है आप लोगों को, वो कुछ आप ऐसे बनाते थे उसको, ये वो कुछ ऐसे बनती होती है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये वो इन्फिल्ट्रेशन है जो हर टाइम रहनी ही रहनी है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो एफ नॉट है ना, ये है जब इन्फिल्ट्रेशन रेट आपका स्टार्ट हुआ था ना, बिल्कुल ये स्टार्ट वाला टॉप वाला जो है ये बेसिकली जो है ना ये आपका एफ नॉट है, ठीक है ना, जब इन्फिल्ट्रेशन बिल्कुल जो है ना स्टार्ट हुई थी। के क्या है, ये जो है बेसिकली एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है, जो आना है इसके अंदर वो गिवन होगी उसकी डिपेंडिंग ऑन द सॉइल, ठीक। और टी जो है टाइम है कि आपने किस टाइम जो है इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है वो फाइंड करना चाह रहे हो, इस टाइम पे चाह रहे हो कि इस टाइम पे चाह रहे हो, जो वो है वो टी है आपका आना है यहाँ पे। अब डायग्राम जो है इन्फिल्ट्रेशन रेट की, देखो यहाँ पे मैंने जो बेसिकली डायग्राम ड्रॉ कर दी, रन ऑफ की ड्रॉ कर दी थी बड़ी गलती से। बहरहाल इन्फिल्ट्रेशन रेट की डायग्राम जो है वो ये वाली है, मैं इसको ज़रा मैक्सिमाइज कर लूँ ताकि समझाने में ज़रा आसानी हो जाए। ये है जी इन्फिल्ट्रेशन रेट की जो है ना वो डायग्राम, मैं इसको बाय यूजिंग पेन में शो भी करवा देता हूँ। ये जो बेसिकली डायग्राम आ रही है ना ये वाली, ये बेसिकली जो है ना वो क्या है, इन्फिल्ट्रेशन रेट की है। देखो स्टार्ट में इन्फिल्ट्रेशन रेट बहुत बहुत ज़्यादा था, और फिर एकदम आके जो है ना वो कॉन्स्टेंट हो गया। ये जो कॉन्स्टेंट है ना, जो हर टाइम रहना ही रहना है, ये कभी इन्फिल्ट्रेशन रेट जीरो नहीं होता, ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू पे आके वो ख़त्म हो जाता है। तो ये है एफ सी, ठीक है, जो ऑनसेट पे थी ये क्या है, एफ नॉट है आपकी, ठीक हो गया, ये आ गया। अच्छा, अब ये जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है ये किस रेनफॉल के लिए, किसी रेनफॉल इवेंट के लिए होगा ना इन्फिल्ट्रेशन रेट, तो ये रेनफॉल इवेंट एक ऐसा था जो जिसकी इंटेंसिटी थी 89 मिलीमीटर पर आवर, ये उसके लिए जो है ना वो इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है उसकी कर्व जो है ना वो ड्रॉ की हुई है, ठीक है ना। और उसी के लिए जो रन ऑफ की कर्व है, जो कि मैं गलती से पहले जैसे ड्रॉ कर रहा था, वो कुछ ऐसी है, रन ऑफ जो है स्टार्ट में कम होता है, फिर
फिर एक टाइम होता है वो मैक्सिमाइज हो जाता है, होता है, और फिर उसी पे आके वो कांस्टेंट कर जाया करता है, ठीक है। जबकि इन्फिल्ट्रेशन उसके उलट होती है, स्टार्ट में बहुत ज़्यादा लेकिन फिर जाके एंड पे बहुत थोड़ी, और फिर उसी पे वो कांस्टेंट कर जाया करती है, ठीक हो गया। इसमें कोई इशू वाली बात तो नहीं है। अगर आपसे पूछे कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है ना, वो रेट कर्व है और जो रन ऑफ कर्व है, ये किसके लिए है, तो आपने कहना है कि जी ये एक ऐसे रेनफॉल इवेंट के लिए है जिसकी इंटेंसिटी जो है ना कितनी है, 89 मिलीमीटर पर आवर या 3.5 इंच पर आवर, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, अच्छा अब इसमें जो है ना आपके जो इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन को प्रिडिक्ट करने के तरीके आपको बताए हुए, ठीक है। मैंने क्या बोला कि बेसिकली इवेपोरेशन को और ट्रांसपिरेशन को प्रिडिक्ट करने के जो है ना तरीके जो है ना बताए हुए, तो तीन मेथड है जो आप, जिनसे आप ईटी जो है ना वो प्रिडिक्ट कर सकते हो। जो पहला मेथड है वो बेसिकली है आपका मास ट्रांसफ़र, ठीक है, नाम से ही जाहिर है मास ट्रांसफ़र। अच्छा अब ये मेथड क्या क्या कहता है, मैं यहीं पर ड्रॉ करने की मैं कोशिश करता हूँ। ये कहता है कि जी बिलफर्ज आपके पास जो है ना कंटेनर है ये वाला, और आपके पास जो है ना इसमें वो लिक्विड एक फील्ड है, ठीक है। अब क्या है कि जब लिक्विड इसके अंदर फील्ड है तो आपको पता है कि जो भी इसके अंदर जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, जो उस लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, वो क्या करेंगे, वो पहले एक दूसरे के साथ जो है ना वो टकराएंगे और अपनी एनर्जी को जो है ना वो हायर करेंगे, इंक्रीज करेंगे। जब एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी किसी मॉलिक्यूल की, वो मॉलिक्यूल जो है उस सरफेस टेंशन को तोड़ता हुआ बाहर निकल आएगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है ना वाटर के वो बाहर निकलते हुए आएंगे, ठीक हो गया। ये आगे बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स, ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने अपनी जो है ना वो एनर्जी जो है वो मूवमेंट की वजह से जो है ना इंक्रीज की और बाहर आ गए वो गेन करके एनर्जी। अब क्या होगा कि कुछ जो है ना एयर आएगी साथ में, तो एयर जो एयर मूव कर रही होती है ना हर टाइम, जो एयर के अंदर मूवमेंट क्यों होती है, क्योंकि एयर के अंदर टर्बुलेंस होती है, तो टर्बुलेंस जब एयर के अंदर होती है, जब एयर मूव करती है तो एयर आएगी और इनको अपने साथ जो है ना उड़ा के ले जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे और फिर ऐसे ही एयर दोबारा उसका करेगी। तो ये कहते हैं कि जो एवेपोरेशन फिनोमिना है ना वो बेसिकली जो है वो क्या है, वो कंबाइंड इफेक्ट है टर्बुलेंट मिक्सिंग ऑफ एयर और वेपर प्रेशर ग्रेडियंट का, कि ये फिनोमिना क्या है मास ट्रांसफ़र का या वेपर का जो है ना वो, ये जो वेपर ट्रांसपिरेशन का क्या फिनोमिना है, ये फिनोमिना ऐसा है कि जी आपके अंदर जो वापर वाटर के एवेपोरेट्स हैं वो इसलिए जो है ना बेसिकली बनते हैं कि आपकी जो एयर है वो वाटर के मालिक जो वेपर्स हैं इनको अपने साथ मिक्स करके लेके साथ में निकल जाती है, ठीक है। तो अब ये देखो चूंकि मैस बेसिकली ट्रांसफ़र हो रहा है ना यहाँ पे, देखो ये जो मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं ये क्या थे, ये मैस है एक तरह से, मैस जो है वो जो नीचे रिमेनिंग मैस है इन मॉलिक्यूल्स के निकलने के साथ साथ वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। अब चूंकि मैस ट्रांसफ़र हो रहा है तो हम इसलिए इसको बोलते हैं कि ये मैस ट्रांसफ़र एक फिनोमिना है जो कि एयर की टर्बुलेंस मिक्सिंग और वेपर प्रेशर के ग्रेडियंट की वजह से बनता होता है, यानी कि वेपर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से बनता होता है। अब दोबारा बोलता हूँ इस बात को, वेपर प्रेशर ग्रेडियंट जो है ना वो क्या होता है, देखो वाटर का वेपर जो है वो अपनी सरफेस टेंशन को जो है वो उससे छूट के बाहर कैसे आया है, वो बाहर इस वजह से आया है कि बाहर प्रेशर जो था ना वो कम था, उसके अपास जो है वो एनर्जी क्या थी, ज़्यादा थी, तो उसने हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जो है ना वो मूव किया, ठीक है ना। तो हुआ क्या है कि वो इधर से निकल के, इधर चूँकि प्रेशर ज़्यादा था निकल के वो बेसिकली बाहर आया, ठीक है ना। जब बाहर आया तो एयर ने जो है अपने अंदर उसको मिक्स किया और साथ में लेके वो निकल गई है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है क्या बताता है आपको कि वेपर ट्रांसपिरेशन जो है ना वो बेसिकली एक कंबाइंड इफेक्ट है टर्बुलेंस मिक्सिंग ऑफ एयर का और साथ में वेपर प्रेशर ग्रेडियंट का, ठीक है। दूसरा तरीकेकार जो है ना वो है एनर्जी बैलेंस का, ये बहुत सिंपल है। एनर्जी बैलेंस ये कहता है कि अगर आपके पास बिलफर्ज कंटेनर है ना ये वाला, ठीक है ना, और आपने जो है वो इधर इस लिक्विड को जो है ना हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, ठीक है ना, बर्नर जो है रखा है और इसको हीट प्रोवाइड करना जो है ना वो स्टार्ट किया, ठीक है। अब वो ये कहता है
कि अगर बिलफर्ज आपने इस लिक्विड को हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट की है, ठीक है ना, तो अगर ये लिक्विड अपना टम्परेचर जो है इंक्रीज ना करे, टम्परेचर अगर इसका बिलफर्ज इस टाइम जो है 25 है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, रूम टेम्परेचर के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, आपने इस लिक्विड को हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है, अगर इसका टेम्परेचर जो है वो 25 से 26 नहीं होता, ये इतना कांस्टेंट ही रहता है, तो वो जो सारी एनर्जी है जो कि बर्नर से लिक्विड को शिफ्ट हो रही है वो कहाँ जा रही है, वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो लिक्विड को एवेपोरेट करने में जा रही है। सही है, समझ रहे हो इस बात को? मैं वैसे बोलता हूँ आपको कि अगर बिलफर्ज ये आप मत समझो कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट ना लो, आप समझो कि नॉर्मल आप हीटिंग कर रहे हो इसकी, ठीक है ना। जब आप लिक्विड को नॉर्मली हीट करते हो तो क्या होता है, लिक्विड जब को जब नॉर्मली हीट करते हो तो लिक्विड जो है वो एवेपोरेट भी होता है और साथ में अपना टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है, ठीक है ना। तो गिवन हीट जो है वो दो जो है ना चीज़ों में काम आ रही है, एक तो इसकी टेम्परेचर को इंक्रीज करने में काम आ रही है, सेकेंड इसको एवेपोरेट करने में काम आ रही है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि जी टेम्परेचर इंक्रीज करने में अगर वो हीट काम नहीं आ रही है तो फिर वो हीट सारी की सारी कहाँ जा रही है, उसको पूरे के पूरे को एवेपोरेट करने के लिए। तो ये दूसरे बार एनर्जी बैलेंस वाला तरीकेकार ये क्या है, ये कहता है कि अगर आपका लिक्विड अपना टेम्परेचर चेंज ना करे तो जितनी भी हीट आपने सप्लाई की है वो सारी की सारी हीट जो है वो किसके अंदर हो रही है, जा रही है, वेपोरेशन जो है ना वो कॉज करने में जा रही है, ठीक है। तो आप उस सप्लाई की हुई एनर्जी को फाइंड करके वेपोरेशन को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। समझा गई इस पूरी बात की, कोई सिंपल है, इसमें कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है कि आपने जितनी एनर्जी सप्लाइड की है, ठीक है, वो चूंकि सारी की सारी यूज़ हो रही है वो एवेपोरेशन के लिए, तो आप सप्लाइड एनर्जी जो है ना वो फाइंड करके ऑटोमेटिकली जो है वो एवेपोरेशन को जो है ना वो फाइंड कर सकते हो। फिर आखिरी है एम्पिरिकल मेथड। एम्पिरिकल मेथड क्या कहता है, एम्पिरिकल मेथड ये कहता है कि एवेपोरेशन जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यानी कि आपकी एवेपोरेशन रेट जो है ना बेसिकली जो आपका ई है ये तो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके टेम्परेचर के। तो इसका जो भी हम बेसिकली ईटी जो है हम एम्पिरिकल मेथड से ही फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जो एम्पिरिकल मेथड है उसमें कभी देखना कि हमेशा इक्वेशन के एक तरफ ई लिखा होगा और दूसरी तरफ टी लिखा हुआ होगा और साथ में बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल साथ में बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स हैं साथ में लिखे हुए होंगे और कोफिशिएंट लिखे हुए होंगे, ठीक है। तो ये तीन मेथड हैं ईटी को फाइंड करने के लिए, वेपोरेशन और ट्रांसपोर्टेशन को फाइंड करने के लिए। पहला मास ट्रांसफर, उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, एयर की टर्बुलेंस मिक्सिंग और वेपर प्रेशर ग्रेडियंट। दूसरा कि सारे के सारी एनर्जी जो है ना वो वेपोरेशन में जो है ना वो यूज़ हो रही है अगर टेम्परेचर लिक्विड का जो है ना वो राइज नहीं कर रहा हीटिंग करने से, तो आप सप्लाइड एनर्जी जो है उसको उसकी मदद से वेपोरेशन रेट जो है ना वो फाइंड कर सकते हो। और तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि जी आपका जो वेपोरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, ठीक है। तो आप अगर टेम्परेचर को फाइंड कर लो तो आप इवेपोरेशन को भी जो है ना वो फाइंड कर सकते हो, ये देखें जी, ये है बेसिकली आपका इवेपोरेशन फ्रॉम वाटर सर्फेस, ये फार्मूला है इवेपोरेशन को फाइंड करने का, डेल्टन लॉ इसे बोलते हैं। ये क्या बोलता है कि बोलता है कि इवेपोरेशन जो है ना ये बेसिकली इक्वल टू होती है सी जो कि कॉन्स्टेंट है इंटू ई एस वेपर प्रेशर एट सेचूरेटेड स्टेट, ठीक है ना। क्या है वेपर प्रेशर एट, ये मतलब है कि एक तरह से ये इसको ई एस को हम बोलते हैं सेचूरेटेड वेपर प्रेशर, ठीक हो गया। और ये क्या है ई डी, क्या है ये है एक्चुअल वेपर प्रेशर, ठीक है। और याद रखना है आपने कि जो आपका ई डी है ना, मैं इसको लिख भी दूँ साथ में, मैं काफ़ी बोल दिया अब, कि जो बेसिकली आपका है ना ई डी जो है ये बेसिकली इक्वल टू होता है ई एस यानी कि सेचुरेटेड वेपर प्रेशर इनटू रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि अगर आपने ई एस फाइंड कर दिया हुआ है तो अगर आप उसी ई एस को जो है जो कि सेचुरेटेड वेपर प्रेशर है अगर आप उसी को जो है ना रिलेटिव ह्यूमिडिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ई डी की वैल्यू जो है ना वो आ जाएगी, ठीक हो गया। ये सिंपल सा तरीका है, कॉन्स्टेंट सी है वो गिवन होगा। अब सी को फाइंड करने के लिए रोवर 1931 में एक जो है ना फार्मूला जो है वो बताया, वो क्या था कि जी सी तो इक्वल टू होता है 0.44 प्लस 0.073 W इंटू 1.465 माइनस 0.00073 P,
यहाँ पे W था ना, वो था विंड की स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एट द हाइट ऑफ 0.15 मीटर। अभी अमूमन सवाल था कि 1.15 मीटर की हाइट के ऊपर ही क्यों, 2 के ऊपर क्यों नहीं, 3 के ऊपर क्यों नहीं। ये बेसिकली ऐसी हाइट है जिसके ऊपर विंड जो है ना वो उसके ऊपर जो है ना कोई बेसिकली कोई चीज़ जो है उसको उसकी स्पीड को इफेक्ट नहीं करती है। ये एक ऐसी हाइट है, प्रपोज्ड हाइट है, जिसके ऊपर जो है विंड की स्पीड जो है ना वो किसी खास जो चीज़ है जैसे दीवार हो गई या कुछ और होगी उससे इफेक्ट जो है ना वो नहीं होती है इस हाइट के ऊपर। ठीक है, और जो पी है ये क्या है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन मिलीमीटर ऑफ मरकरी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब आप विंड की स्पीड इन किलोमीटर पर आवर पुट करोगे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना वो मिलीमीटर ऑफ मरकरी में पुट करोगे, तो आपकी जो ई की वैल्यू जो है ना वो आएगी, वो किस में आएगी, वो आएगी मिलीमीटर पर डे के अंदर। ठीक है, सी आपने यहाँ से फाइंड कर लिया, ई एस और ई डी आपने जो है ना वो हम आपको बताएंगे आपने कैसे फाइंड करना है। पुट करोगे आप इसमें, आपकी जो ई की वैल्यू आएगी ना वो किस में आएगी, मिलीमीटर पर डे के अंदर आएगी। अच्छा, अब सी को फाइंड करने का ना एक और तरीका जो है ना मेयर ने दिया 1942 में, कहता है कि जी सी जो है वो बेसिकली इक्वल टू होती है 15 प्लस 0.93 W। ठीक है, और ये W क्या है, ये वही है, ये स्पीड ऑफ विंड इन किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया, लेकिन इस केस में जो हाइट है वो कितनी है, वो है 7.6 मीटर। इसने कहा कि जी जो रोवर की जो हाइट है ना 0.15 मीटर, दैट इज़ नॉट इनफ, इस पे जो है विंड की स्पीड जो है वो डिस्टॉर्ट होती है दूसरी चीज़ों से। ठीक है ना, तो इसने कहा कि आप 7.6 मीटर हाइट पे रखो, यहाँ पे जो है ना जो विंड की स्पीड आप मेयर करोगे वो एक्चुअल विंड की स्पीड होगी, जो किसी और चीज़ से जो है ना डिस्टॉर्ट नहीं होगी। देखो विंड की स्पीड जो होती है ना वो बहुत सारी जो है ना बेसिकली चीज़ों से डिस्टर्ब होती है। अगर आप विंड की स्पीड किसी जगह पे फाइंड कर रहे हो ना, तो उस जगह के आसपास जो है ना कोई दरख्त लगे हुए हैं, ठीक है, कोई दरख्त लगा हुआ है बिलफर्श ऊंचा सा, या कोई उस जगह पे जो है ना बिल्डिंग है ऊंची सी, तो वो उसकी स्पीड को डिस्टर्ब करेगी, विंड की स्पीड को। रोवर ने जो है बोला कि जी आप 0.15 के ऊपर ही लेके जो है ना आप अपना काम चला सकते हो। मेयर ने बोला नहीं, ये डिस्टर्ब हो जाती है 0.15 के ऊपर, जो भी आप हाइट के ऊपर विंड की स्पीड लोगे ना आप बिल्कुल 0.15 मीटर हाइट जो है यहाँ पे आती है, इस जगह पे 0.15 मीटर की जो हाइट है वो आती है बिल्कुल। इस हाइट पे अगर आप विंड की स्पीड फाइंड कर रहे हो तो वो इससे भी डिस्टर्ब हुई है, इससे भी डिस्टर्ब हुई है। तो 7.6 मीटर हाइट पर तो बहुत ऊंची हाइट है, वो तो करीबन यहाँ पर जाके कहीं पे आती है, बहुत ऊंची हाइट है, ऑलमोस्ट ये कोई 30-32 फुट की हाइट बनती है। तो अगर आप वहाँ पे फाइंड करोगे तो आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं वो उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो ये वाला है। और अगर कहते हैं कि स्मॉल लेक्स के लिए आपने फाइंड करनी है या रिजर्वायर के लिए फाइंड करनी है, तो फिर जो है वो क्या होगी, सी इज इक्वल टू 11 प्लस 0.68 W। ठीक है, यानी कि अगर मैं क्वेश्चन के अंदर लिख दूँ कि स्मॉल रिजर्वायर है या लेक है, तो फिर आपने जो है सी की वैल्यू जो है इस फार्मूले से फाइंड करनी है, मेयर के फार्मूले से। अच्छा जी, अगला है कि अब आपने ई एस और ई डी अपने सी की वैल्यू फाइंड करना सीख ली है। सी की फाइंड करने के 2 तरीके हैं, एक मेयर का तरीकाकार है और एक है रोवर का। रोवर का तरीकाकार ज़रा पुराना है, मैं अगर एग्जाम में कभी पूछूंगा भी आपसे तो मैं, हो सकता है कि मैं मेयर से ही पूछूँ आपसे, ठीक है ना। तो आपकी मर्ज़ी, आप भरोसे भी फाइंड कर लो, लेकिन ये इससे फाइंड करना आसान है वैसे, और ये अपडेटेड तरीका भी है, मतलब कि बेहतर तरीका भी है ये वाला फाइंड करने वाला। ठीक है, तो आपने इस फार्मूले में सी फाइंड करना सीख लिया, 2 तरीकों से आ सकता है, मेयर के तरीके से और दूसरा रोबर के तरीके से। अब ई एस और ई डी जो है वो आपका ग्राफ्स है। ठीक है, तो ये चूंकि ऑलरेडी लंबी हो गया ये वाली जो है ना वो पार्ट जो है मेरा लेक्चर का, तो मैं अगले में बताता हूँ आपको कि आपने जो है वो ई एस और ई डी जो है उसको कैसे फाइंड करना है।